देख शिनचैन आज करने को कुछ भी नहीं है, तो तू ये बता कि आज कौन सा गेम खेले जिससे मेरा भी टाइम पास हो जाए और तुम्हारा भी, वरना तो ऐसे पूरा दिन कंटाल जाएंगे। अरे क्या बात है, आज आप खेलने की बात कर रही हो? हाँ तो क्या हुआ, मैं खेल नहीं सकता? अरे नहीं नहीं क्यों नहीं, आप भी खेल सकते हो। लॉस सैंटोस में दिखाई जा रही लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से इसी शहर के किसी बुजुर्गों ने लॉस सैंटोस में कहीं पर खजाना दफन किया था, पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो खजाना कहाँ हो सकता है। आप भी चौकन्ने हो जाइए, क्या पता वो खजाना आपके घर के नीचे निकले या फिर आपके गैरेज के नीचे। इतना तो पक्का है आप में से किसी न किसी की किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने सुना क्या, क्या पता वो खजाना हमारे घर के नीचे हो। अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, या फिर हो भी सकता है, पर अगर खजाना निकल गया तो हमारी तो चांदी चांदी। अरे चांदी चांदी नहीं सोना सोना। एक बंदा है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है, अभी माइकल को कॉल करता हूँ। हेलो माइकल, मुझे तुझसे एक काम था। हाँ बोलो फ्रैंकलिन, क्या काम है? मुझे अपने घर में गड्ढा करवाना है। तेरे पास किसी ना किसी का कांटेक्ट तो होगा ना जो ये सब काम करता है? हाँ है ना, तुम बस बताओ कि करना कब है। सही बोलूँ तो करना तो आज ही है, आज के अभी करे तो और अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ आगे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, चलो मैं फोन रखता हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगा। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखो। चलो गाइस। एक मिनट, क्या ये घंटे की आवाज थी? अरे मुझे लगता है मजदूर होंगे। नहीं यार अभी तो माइकल को कॉल किया था, इतना जल्दी कैसे आ सकते हैं? जाकर चेक कर ही लेते गाइस, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। वैसे चाहता तो मैं भी हूँ कि मजदूरी हो। ओ भाई साहब इतने सारे वर्कर, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए यार, और इतना सब सामान लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा काम तो बहुत छोटा है, आप तो पूरी फौज उठा कर आ गए, और वो भी इतने बड़े बड़े दो ट्रक के साथ। अब इनको ट्रक बोलते कि डंपर बोलते पता नहीं। सर हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है, हम सब कुछ साथ में लेके चलते है, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता कहाँ पर कितने आदमी लगेंगे और कौन सा सामान लगेगा। ओके अरे तो फिर चलो, चल के गड्ढा खोदते हैं और खजाना बाहर निकालते हैं। अरे शिनचैन तुम तो सोच के ही बैठे हो कि हमारे घर के नीचे ही खजाना है। वैसे आपने बताया नहीं आपके चार्जेस क्या है। हमारा एक ही रेट है, $50,000। क्या $50,000 एक गड्ढा खोदने के? ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कम नहीं हो सकता? नहीं नहीं कम नहीं हो सकता, बिना पैसे दिए हम काम भी शुरू नहीं करेंगे, पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा यार ठीक है, रुको मैं देखता हूँ अंदर जाके। गाइस यार मैं जाके खुद ही ट्राई कर लेता हूँ, अगर मेरे हाथ से गड्ढा खुद गया तो इनको वापस भगा दूंगा, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। क्योंकि यार $50,000 दे दिए इनको तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक काम करते गाइस, यही से गड्ढा शुरू करते हैं। शिनचैन चौप तुम दोनों मदद करवाओगे? अरे फ्रैंकलिन भैया इतने भी कंजूस मत बनो, आने वाले खजाने के बारे में सोचो। अरे खजाना मिले ना मिले आपसे गड्ढा नहीं खुदेगा, ये इतना आसान नहीं होता है। अरे यार अभी से मेरा हौसला मत तोड़ो। गाइस यार मैं तो जाऊंगा ट्राई करने। चलो शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ी मिट्टी तो निकालनी है और करना ही क्या है। हाँ पर ये सच्ची बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फिर से लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। इतना पैसा क्यों देने का जब खुद से कर ही सकते हैं। गाइस यार अब तो 3-4 घंटे हो गए, थोड़ा सा भी गड्ढा नहीं खुदा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमसे ना हो पाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों फालतू में मेहनत कर रही हो, ऐसा लग रहा है आपने कुछ किया ही नहीं है। अब थोड़ी सी मिट्टी निकालते हो और फिर गलती से वापस उसी जगह डाल देते हो, ऐसे गड्ढा नहीं खोदा जाता। अरे यार शिनचैन वैसे यार मेरी हालत खराब हो गई है, ऐसा तो मत बोल, कब से मेहनत कर रहा हूँ मैं। गाइस यार मैंने सोच लिया है, क्यों लोगों के पेट पे लात मारनी, उसका काम है यार, हमें उसे पैसे देने चाहिए। वापस उनको फोन करके बुला लेता हूँ। हेलो भाई साहब, वो मुझे पैसे लेके आने में थोड़ी देर हो गई है, आप जल्दी से वापस आ जाओ, पैसे रेडी है। अच्छा ठीक है, हम अभी वापस आते हैं। हाँ चलो गाइस, वो लोग तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद निकल ही गए थे। ये रहे वो लोग। लाओ सर जी हमारे पैसे दो, फिर हम काम चालू करते हैं। ये लो आपके पैसे और मुझे आज के आज ही गड्ढा खोद के दे दो, किसी भी हालत में शाम तक गड्ढा हो जाना चाहिए। अरे ये आप क्या बोल रहे हो, ये खाने का काम थोड़ी ना है जो एक दिन में गड्ढा करके दे दे, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, हमें नीचे खुदाई करते टाइम बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अरे यार ऐसा मत बोलो, मुझे अर्जेंट है। अच्छा ठीक है चलो, अर्जेंट है तो $50,000 और दो। क्या और $50,000? अब ये गलत बात है, ये ज्यादा हो रहा है। अगर नहीं करवाना था काम तो हमें बुलाया क्यों? हाँ जाओ जाओ, नहीं करवाना मुझे, मेरे पैसे वापस दो, मैं खुद ही कर लूंगा या किसी और से करवा दूंगा। सॉरी सर, हमारे कंपनी की पॉलिसी है, हम किसी को रिफंड नहीं करते, अब भले वो काम करवाए या नहीं। अब यार ये क्या जबरदस्ती है। एक मिनट यार, अब किसका कॉल आ रहा है? लेस्टर,
ये कॉल क्यों कर रहा है? हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हें उसके बदले पैसे भी दूंगा, पर तुम्हें अभी के अभी आना होगा। क्या बात कर रहा है? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। शिनशान चौप, मेरी बात सुनो, मुझे लेस्टर ने बुलाया है, शायद वहाँ से मुझे पैसे मिल जाए और हमारा गड्ढा बनना चालू हो जाए। आप लोग यहीं पर रुकना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। गाइस यार जल्दी से बाइक लेके निकलते हैं, पता नहीं लेस्टर ऐसा भी कौन सा काम देने वाला है। छोड़ो ना, हमें क्या करना, हमें तो उसके बदले पैसे मिल रहे। एक बार बस कैसे भी करके $50,000 और जमा कर लूं, उसके बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। देखो लेस्टर का घर यहीं पर था, बाइक को यहीं पर रोकता हूँ। लेस्टर बाहर आ, देख मैं आ गया हूँ। अरे रुको रुको, आ रहा हूँ, तुम बाइक पर बैठो, हमें कहीं पर निकलना है तुरंत। अच्छा ठीक है, बैठ जा भाई, बता कहाँ पर जाना है। मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा, तुम बस चलाने पर ध्यान दो। ठीक है, वैसे ये तो बता दे कि काम क्या है। काम तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, बस सामने मेरे आदमी खड़े हैं, वहीं पर रोक दो। एक मिनट यार, तुमने किसी को पकड़ के रखा है? कौन है ये और इसकी ऐसी हालत क्यों है? एक मिनट, ये तो कार शोरूम वाला है, मैं इसे जानता हूँ, बहुत बार इसको गाड़ियाँ बेची है मैंने। तुमने इसे किडनैप क्यों किया है? इसने कोई गड़बड़ की क्या? अरे नहीं नहीं, इसने कोई गड़बड़ नहीं की है। दरअसल इसके पास एक कार है जो मुझे चाहिए और इसने मुझे देने से मना कर दिया। फिर मैंने चुराने की भी कोशिश की, पर इसने उस कार को कहीं पर छुपा दिया है। अगर तुमने वो कार ढूंढ ली तो मैं तुम्हें $25,000 दूंगा। इसे कहो मुझे चुपचाप बता दे, भूल जाओ वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। अरे यार अंकल, आप मुझे तो जानते हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में आपस में समझ लेंगे, अभी बता दोगे वो गाड़ी किधर है? वरना आपको पता नहीं है ये दिमाग से पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर जान प्यारी है तो बता दो, गाड़ी तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। देख रहे हो ना इसके आदमियों को कैसे गन तान के खड़े। अच्छा अच्छा ठीक है, बताता हूँ, वो गाड़ी मेरे शोरूम के गोडाउन में है। चलो गाइस, आखिरकार इसने अपना मुंह खोल ही दिया, और तुम इतनी नॉर्मल जगह चेक नहीं कर सकते थे? तुम खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ। गाइस अभी फटाफट निकलना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर को भी पता चल चुका है कि वो गाड़ी कहाँ पर है। क्या पता अपने आदमियों को भिजवा के गाड़ी मंगवा ले और मुझे कुछ ना दे। इससे अच्छा मैं ले आता हूँ। देखो उसका गोडाउन यहीं पर होना चाहिए, जल्दी से जाते इसके अंदर, पता नहीं वो सच बोल रहा था या झूठ। ओ गाइस, गाड़ी तो है यहाँ पर उसके आदमी भी है, वो भी कम नहीं निकला, मैं तो उसको शरीफ समझ रहा था। देखो गाड़ी तो किसी हालत में लेके जानी जानी, आप कूद गए तो काम पूरा करेंगे ही करेंगे। मुझे इन सबको मारना होगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। चुपचाप चला जा। भाई मुझे माफ कर देना यार, मैं चाहता तो नहीं हूँ ये सब करना, अगर तुम लोग रास्ते से हट जाओगे तो बच जाओगे। रास्ते से तो तू हटेगा, मतलब के नहीं मान रहे हो तुम लोग। अब मुझे माफ करना भाई, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब, तुम लोगों ने उकसाया है मुझे, और ये भी गया। चलो यार, यहाँ का रास्ता साफ हो चुका है, अब जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। गाड़ी तो काफी अच्छी है यार, तभी लेस्टर इसके लिए मर रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से बैठते हैं, अंदर निकलते हैं यार, यहाँ से अपना काम पूरा करते हैं और पैसे लेते। भाई हमें खड्डा भी खुदवाना है, वैसे देखा जाए तो इतने पैसे भी इनफ नहीं होंगे, मुझे $25,000 और चाहिए होंगे। अब पता नहीं उनका मैनेजमेंट कहाँ से होगा। चलो फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गाड़ी को रोकता हूँ। लेस्टर ये देख मैं क्या लेके आया हूँ, तुझे जो चाहिए था, जिस गाड़ी के लिए तू मर रहा था, वैसे है तो काफी ढसू। अब मुझे मेरे पैसे दे जल्दी से जल्दी, मुझे यहाँ से निकलना है, और भी काम करना है। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, थोड़ा बहुत दवा पानी का दे देता तो भी चलता। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, यार इतनी चोटे खाई है, इनको थोड़ा समझना चाहिए। चलो छोड़ो, क्या है, दुनिया ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है? ड्राइवर। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या काम है? लेकिन दरअसल मैं कहीं पर फंस गया हूँ। अच्छा ठीक है, रुक मैं आता हूँ। तो गाइस यार, उसने मुझे यहीं पर बुलाया था, ये रहा ड्राइवर। बोल भाई क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना, या कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। दरअसल पुलिस को मेरे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वो लोग मुझे बहुत खतरनाक तरीके से ढूंढ रहे हैं। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर जाके वहाँ से मेरी फाइल को डिलीट करना होगा, ताकि रिकॉर्ड में से मेरा नाम हट जाए। मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। अरे यार ये तो बहुत बड़ा काम है। चल कोई बात नहीं, $25,000 दे देना। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए। हो तो गए, काम भी कितना बड़ा है, तेरे को पता है ना कितना बड़ा रिस्क है। करना है तो बोल, वरना मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ये हुई ना बात। चलो गाइस अब चलते हैं, इसी की गाड़ी लेके जाता हूँ। फटाफट निकलना होगा यहाँ से, हमें सीधा हेडक्वार्टर पहुंचना है, पर वो एक बिल्डिंग में, और वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होगी, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, वैसे तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से उतरते हैं। मेरा दिल तो धक धक कर रहा है यार, पर जाना तो पड़ेगा ही। चलो 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 चलो। ओ ओ ओ गाइस, ये जगह तो लोगों से भरी पड़ी है, यहाँ मैं अपना काम छुपके से कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ स्मोक बॉम्ब, उससे ये कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाएंगे। अब चारों बाजू गैस ही गैस होगी, बस मुझ
पर असर ना कर जाए, फटाफट छोड़ के भागता हूँ यहाँ से। ये लो और ये लो, सब लोग यही पर खड़े रहोगे, कोई निकला ना तो गोली मार दूंगा। सब लोग काफी ज्यादा डर चुके गाइस। देखो मैं तो जाके छुप गया था और सब लोग बेहोश हो चुके हैं, तो अभी हमारे बाहर निकलने का टाइम भी आ चुका है। अब जल्दी से जाते हैं, किसी पीसी को पकड़ते हैं, उसका रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। ये पीसी ठीक रहेगा। और ये रहा ड्राइवर का रिकॉर्ड और ये डिलीट। अब फोन करता हूं उसको। हेलो ड्राइवर, तेरा काम हो चुका है, अब तू आजाद है मेरे भाई, जहाँ घूमना है वहाँ घूम, बस मुझे मेरे पैसे दे दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे भेज रहा हूँ। चलो गाइस, यहाँ का काम भी हो चुका है, अब निकलते फटाफट यहाँ से, हमें जाना है घर पर और उन वर्कर्स को पैसे भी देने। पता नहीं वो लोग गड्ढा कब तक खोदेंगे। मुझे तो टेंशन इस बात का है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और खजाना नहीं निकला, तो अब उसके बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो नसीब नसीब का खेल है, जो होना होगा हो जाएगा, पर कम से कम कोशिश तो कर ले, क्या पता नसीब खुल ही जाए गाइस। चलो मैं बस पहुंचने वाला हूँ घर पर, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, कब जाके उनके हाथ में पैसे दूं और कब मेरा काम चालू करवाऊं। चलो सारे वर्कर्स यहीं पर खड़े हैं, अब जाके इनके मालिक को दे देता हूँ, मतलब जो भी है इनका लीडर वगैरह। लो मैंने पैसे का इंतजाम कर दिया है, ये रहे तुम्हारे पैसे, अब आज के आज मेरा गड्ढा खोद के मुझे दो, वो भी किसी भी हालत में, वरना मैं सारा रिफंड ले लूंगा। अरे सर आप चिंता क्यों करते हो, आपने पैसे दे दिए मतलब काम हो जाएगा। भाइयों मेरी बात सुनो, काम का समय हो चुका है, जितना स्पीड हो सके हमें उतना काम करना है। चलो सर साइड हो जाओ, मेरे आदमियों को आने दो, मैं कुछ ही देर में आपको खड्डा खोद के देता हूँ। गाइस यार ये लोग तो फुल फोर्स से लग गए, आधे लोग खड्डा खोद रहे, आधे लोग मिट्टी बाहर लेके जा रहे। अब माइकल को कॉल करता हूँ। हेलो माइकल, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने मेरा काम करवा दिया। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन, तू मेरा दोस्त है। ठीक है चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे खुदो खुदो, जल्दी से खुदो और मुझे मेरा खजाना बाहर ला के दो। शिनचान यार इतनी उम्मीद लगाकर मत बैठो, अगर खजाना नहीं निकला तो बुरा लगेगा। वैसे चौप एकदम सही बोल रहा है शिनचान, हम लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठ गए। अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगा, मैं भी देखता हूँ। अबे तू खड्डे को धमकी कैसे दे सकता है। चलो आपका खड्डा खुद कर रेडी है, वैसे एक बात बताइए आप इसके साथ करने क्या वाले हो। अरे वो दरअसल ऐसे ही मजे के लिए बनवाया है। चलो आप जा सकते हो। गाइस हम लोग चलते हैं उस गड्ढे के अंदर और देखते हैं हमारी नसीब अच्छी है या नहीं। चलो शिनचान चौप, मैं तो जा रहा हूँ अंदर। गाइस यार इन लोग ने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्या बढ़िया बंकर बनाया है। ओ भाई साहब, गाइस यार इतना सारा पैसा, ये खजाना तो सच्ची में हमारे घर के नीचे ही निकला। क्या बात है यार, नसीब खुल गए। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।